कहता हूँ कि सुशील मोदी जी असल में स्मृति लोप के शिकार हो गए, इसको कहते हैं मेमोरी लॉस, और उनको पुरानी कई बातें याद ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि भाजपा के लोग उनके हाल के परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको कोई अच्छा सा पद ले दे दें और मिनिस्ट्री में ले आए। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे बाएं से लेकर दाएं तक महागठबंधन दल के तमाम नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं, साझा संदेश, और वो संदेश बिल्कुल साफ है। बीते दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे एक षड्यंत्र और पाखंड के तहत महागठबंधन से पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में असफल भाजपा ने अपनी एजेंसीज को स्क्रिप्ट पकड़ा दी। अब स्क्रिप्ट मिसफायर कर गई। गुड़गांव के एक मॉल अर्बन क्यू और एक प्रोजेक्ट व्हाइट लाइन में इन्होंने छापे पड़वाए और 10वें 11वें फ्लोर से सीबीआई के मीडिया में प्लांट करवाया कि जाओ जाओ तेजस्वी जी का मॉल है। कल उस मॉल और उस प्रोजेक्ट के मालिक ने, व्हाइट लाइन प्रोजेक्ट के, उसने कह दिया कि भैया तेजस्वी जी से इस मॉल का कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमारी छवि खराब होने करने की कोशिश हुई। तो संदेश साफ है कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जैसे महागठबंधन और जदयू को मिलकर के तस्वीर उभरी, तो यहाँ बड़े बड़े चाणक्य फेल कर गए। उन्होंने सोचा था कि डरा धमका करके ये परिवर्तन कर देंगे, तो बिहार एक संदेश दे रहा है लगातार महागठबंधन के तमाम नेताओं की उपस्थिति कि बाज आइए अपनी हरकतों से, नहीं तो गांधीवादी सत्याग्रह करेंगे, गुलाब का फूल लेके घूमेंगे और आपकी राह मुश्किल कर देंगे। इस श्रृंखला में आगे की बात के लिए मैं माननीय मंत्री मदन सहनी जी को आमंत्रित करता हूँ।